महेश्वर तहसील के महू मंडलेश्वर मार्ग जाम गेट से नीचे घाट उतरते समय शाम 6 बजे आयसर वाहन असंतुलित होकर 200 फीट नीचे खाई में जा गिरी, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तीनों मृत रतलाम निवासी थे। घटना स्थल पर TI इंद्रेश त्रिपाठी और SDOP मोहन सिंह गवली पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से खाई से शवों को निकाला गया। घटना स्थल पर अंधेरा होने के कारण बहुत परेशानी से शवों को खाई से ऊपर लाया गया। महेश्वर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। ये भी जो ये घटना हुई है यहाँ पर कि एक आयशर जो है नीचे पलटी खा गई है जाम घाट रोड पर। क्या मामला है सर पूरा? ये अभी शाम को 6:30 बजे के आसपास की घटना है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आयसर जो है जाम गेट के ढलान वाले मोड़ पर जो है अंदर खाई में गिर गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। वह पुलिस व ग्रामीण लोगों के द्वारा जो है जाकर संबंधित आयसर में देखा गया तो उसमें 2 व्यक्ति जो है मृत पाए गए। उसमें संभवतः क्लीनर और ड्राइवर होंगे जिनको जो है खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सर कितने लोग हैं लगभग इसके अंदर? अभी 2 लोग ही हमें वहाँ पर मिले हैं, संभवतः 2 ही लोग हैं। उसके बाद फिर भी अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक सर, थैंक यू सर। अरे यादव, आप कौन सी पोस्ट करेंगे? असिस्टेंट टोल मैनेजर। असिस्टेंट टोल मैनेजर। सर यहाँ पर आप अभी तक हमने देखा 2-3 तो अभी की अभी दुर्घटनाएं हुई है और काफी गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं। और अक्सर आपके यहाँ पे पूरे इसमें देखने को मिलता है कि जो काशन बोर्ड लगे हुए थे वो काशन बोर्ड भी टूटे हुए नजर आते हैं। कहीं भी काशन बोर्ड दिखने को, जो आपने सीमेंट कंक्रीट की जो बना के रखे हैं वो काशन बोर्ड भी टूटे हुए हैं, तो उनको क्यों वापस वो नहीं किया गया? क्या कहाँ रिपेयर किया? मैं अभी भी देखते आ रहा हूँ आपके कहीं काशन बोर्ड सिर्फ है ना पिल्लर खड़े हुए हैं और बस, और कुछ नजर नहीं आता। जैसे ये टर्न है यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ पर भी आपके काशन बोर्ड बहुत कम नजर आते हैं, कहीं काशन बोर्ड ही नजर नहीं आ रहा है। तो क्या ये माना जाए कि आप लोगों की लापरवाही के कारण ये दुर्घटनाएं हो रही हैं? हमारी कोई लापरवाही नहीं है जी। ये मेंटेनेंस का रोड अलग से आता है, मेंटेनेंस आप देखते होंगे आपके अब टोल देखते हैं। तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जिसका टोल होता है वो इसका पूरा मेंटेनेंस देखता है, तो आप टोल देखते हैं, तो आपने कभी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया था? रेलिंग टूटी थी तो यहाँ पे लगा मटेरियल डाला था जी आपने और साइड में मटेरियल डाला। मैं अभी भी देखते हुए आया हूँ, कहीं जगह स्लाइड हुआ है पड़ा हुआ वो भी आप हटाने का कभी काम नहीं करते। अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं अभी भी दिखा सकता हूँ, नहीं मैं आपको आज भी दिखा सकता हूँ, मेरे इसमें है। मैं हमेशा है ना जो जानकारी पुख्ता होती उसी पे बात करता हूँ। कहीं अभी भी आपके रोड पे आपने ना तो सही ढंग से सफाई की है, बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई है, उससे भी वाहन स्कीड होते हैं। यहाँ पे भी होगी, कहीं हर जगह है, जहाँ लैंडस्लाइड हुई थी वहाँ पे भी, तो आपने वो हटाने का काम ही नहीं किया है अभी तक। वो स्कीड है रोड पे, भाई टर्न में पड़ी हुई है, स्कीड होती है, गाड़ियां स्लिप हो सकती है, नीचे जा सकती है। आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं? किसी को टोल ही वसूल करते हैं? ध्यान देते हैं, मुझे तो नजर ही नहीं आते आपके ध्यान देने वाले की। अभी मैं आपको बताऊं कहीं ऐसी जगह होगी जहां पे आप नीचे जाएंगे टर्न पे, वहां का क्रैश बैरियर टूटा हुआ पड़ा है, आप उसको वापस ध्यान नहीं। पहाड़ी इलाका है तो आपको ध्यान देना है कि नहीं देना है? दे रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।